हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा कि मणिखेड़ा डैम जो है चटक गया है, यानी कि दरार आ गई है या टूट गया है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मणिखेड़ा डैम पर ही खड़ा हूँ और मेरे चैनल का नाम है माइंड ऑफ जुगाड़ू। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मैं इसी टाइप की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल से लाता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डैम है जो कि मणिखेड़ा डैम है और ये डैम हमारा नरवर के पास पड़ता है। और ये देखिए, ये इस डैम के अभी 6 गेट हमारे ओपन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है इस डैम का। और डैम में कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा कोई अफवाह मिली है कि डैम टूट गया है, चटक गया है, ऐसा कुछ नहीं है और काफ़ी अच्छा व्यू है। मैं आपको डैम को इसके पास में जाकर भी बताऊँगा और इसके गेट के बारे में बताऊँगा कि कहाँ गेट होते हैं और ये गेट किस तरह से खुलते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको इस तरह आपको इसमें दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा डैम है और बहुत ही बड़ा डैम है सर। मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी बड़ा डैम है। और चलिए, तो मैं आपको इस डैम के जो हैं आपको बता दूँ, इनके डैम के जो हैं रेडियल गेट हैं इनके भी, और हाइड्रोलिक सिस्टम पर ये सारे गेट हमारे वर्क करते हैं। और ये देखिए, मैं आपको पास से इसका व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं 3 गेट जो हैं हमारे इस डैम के ओपन हो चुके हैं, मतलब कि खोल दिए गए हैं। तो ये डैम की खासियत ये है, ये काफ़ी बड़ा डैम है और इसमें बहुत सारा पानी हमारा स्टोर किया जा सकता है। और अभी आप इन डैम के गेट खुलने के कारण ही और महुआ डैम के भी गेट खुल जाने के कारण हमारा शिवपुरी के इलाके में जो पुल हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पानी ज़्यादा आया है, वो इन्हीं डैम के कारण आया है, क्योंकि इस बार बरसात भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिस कारण ये डैम के गेट आपको इतने खुले हुए दिख रहे हैं। वरना अधिकतर 2 या 3 ही गेट हमारे खोल पाते थे, लेकिन अभी इस स्थिति में 6 गेट खुले हैं इन्होंने और 7 भी खुल गया था। ये देखिए, मैं डैम के ऊपर आ चुका हूँ, ये मणिखेड़ा डैम है। और देखिए, मेरी गाड़ी आपको सामने दिख रही होगी, ये कितना बड़ा डैम है आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं गेट आपको पास से व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो गेट देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है, सेम रेडियल गेट है। ये देखिए, ये गेट यहाँ बंद है, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि तीसरे नंबर का गेट जो हमारा ओपन है, ये देखिए, इस पावर पैक की सहायता से इस गेट को ओपन किया जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने का भी कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, इस पावर पैक की सहायता से ये हाइड्रोलिक सिलेंडर के उपयोग से इसको ऊपर किया जाता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा डैम है। ये देखिए, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, कितना सारा पानी यहाँ से जा रहा है। ये देखिए, रेडियल गेट जो है पूरा ओपन है। मैं आपको इस गेट को पूरा तरीके से दिखाने की कोशिश भी करूँगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और आप देख सकें किस तरह कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ पर यह डैम का पानी स्टोर है, यही पानी को इन गेट के द्वारा निकाला जाता है। ये देखिए, ये कितना बड़ा डैम है और किस तरह से यहाँ पानी निकल रहा है आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहला व्यू दिखाया था और ये सिलेंडर से ही ऊपर होते हैं और डैम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगा जिसमें डैम के अंदर की गैलरी में जहाँ इंस्पेक्शन करते हैं कि आपका डैम चटका है या नहीं, वो आप अंदर से इंस्पेक्शन करके चेक करते हो, वो भी मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये पावर पैक के नीचे जा रहा हूँ, यानी कि जहाँ से हम डैम को ओपन करते हैं, मैं साइड व्यू आपको दिखाता हूँ ताकि आपको डैम का पूरा ऑपरेशन देख सके। ये देखिए, ये रेडियल गेट है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ डैम्स में से रेडियल गेट को ओपन करके इतना सारा पानी, लाखों गैलन पानी जो है निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है। और ये देखिए, ऊपर स्टोर पानी है। ये देखिए, ये जिस रोड पे हम थे वो ये है और ये देखिए किस तरह से पानी निकल रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजर है। काफ़ी लोगों के पुल और घर बह गए हैं इस पानी में, क्योंकि पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ये गेट सारे पूरी फीट में, यानी कि ओपन कर देंगे, तो ये जो है हमारा डैम से पानी इतना निकलेगा कि हमारे कुछ गांव डूब जाएंगे। ये देखिए, ये आप ये गेट देख रहे हैं एक छोटा सा, इस गेट के अंदर से और एक लिफ्ट होती है, वहाँ से इसका इंस्पेक्शन करते हैं डैम के अंदर। हम डैम के अंदर जाते हैं, डैम के यानी कि करीब 100 फुट नीचे हम डैम के अंदर जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डैम के अंदर का इंस्पेक्शन करना दिखाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।